तो दोस्तों अभी के टाइम पे अगर आप जियो पेमेंट्स ऐप वगैरह से दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने की या फिर अपना बैलेंस चेक करने का ट्राई कर रहे हो तो ऊप्स समथिंग वेंट रॉन्ग वाली प्रॉब्लम आ रही है। और किसी किसी को दोस्तों जब वो फोन पे वगैरह से या फिर कोई भी पेमेंट्स ऐप से पेमेंट करने के लिए जा रहे दोस्तों तो रॉन्ग UPI पिन जैसी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं और पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, अगर आपके पास भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स आज देखने को मिल रही हैं जियो पेमेंट्स बैंक में तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी लाइक्स होंगी मैं समझ जाऊंगा उतने ही लोगों को ये प्रॉब्लम्स आज देखने को मिल रही है जियो पेमेंट्स बैंक में। अब चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हो रही है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो ये जो प्रॉब्लम है ये केवल आपके साथ नहीं काफ़ी सारे जियो पेमेंट्स बैंक के यूज़र्स के साथ देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम पे जियो पेमेंट्स बैंक का सर्वर एकदम से डाउन चला गया है, जिसकी वजह से दोस्तों पेमेंट्स से सब कुछ दोस्तों यहाँ पर अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बंद हो चुका है। यानी कि यहाँ पर ना पेमेंट आ रहा है ना जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर ये उफ समथिंग वेंट रॉन्ग वाली भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ऐसे में दोस्तों बात आती है कि कैसे ये प्रॉब्लम सही होगी, तो उनके दोस्तों कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि फ़ोन पे में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ़ोन पे को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करिए, या फिर ये जो ऐप है दोस्तों जियो पेमेंट्स बैंक का दोस्तों, तो यहाँ पर इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये सर्वर इशू है। या तो दोस्तों ये अपडेट वगैरह करने से सही हो जाएगा या फिर दोस्तों आपको कुछ घंटे का वेट करना होगा, कुछ घंटे बाद ऑटोमेटिक दोस्तों जब सर्वर सही हो जाएंगे तो आपके साथ भी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब भी सर्वर डाउन होता है सभी को ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों, तो बस आपको वेट करना है कुछ घंटे तक, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। और कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में।